दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक कमाल की ऐप लाया हूँ। दोस्तों इस ऐप में अभी एक कमाल का ऑफर चल रहा है। दोस्तों इस ऐप में अगर आप अभी अकाउंट बनाते हो तो आपको यहाँ पर जो 300 रुपीज इंस्टेंट कैश मिलेगा, जिसको जो आप अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर विड्रॉ कर पाओगे। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर रिवॉर्ड्स में, आप लोग यहाँ पर चेक कर लो। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मेरा दिखा रहा है 2200 ज्वेल्स, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो अभी हम लोग विड्रॉ करेंगे मेरे बैंक अकाउंट में, दोस्तों ये पैसा मेरे को जो है इस ऐप में अकाउंट बनाने पर मिला है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कैश, और कैश जैसे ही करता हूँ दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो 440 रुपये, यहाँ पर 300 रुपीज़ मेरे को जो है अकाउंट बनाने पर, और 100 रुपीज़ यहाँ पर दोस्तों एक्स्ट्रा बोनस मिला है मेरे को, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं इसको जो है अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर उसके बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ पर नीचे लाऊँगा, और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स सक्सेसफुली रिडीम, जैसे कि देख सकते हो आपके आंखों के सामने लाइव यहाँ पर मैं विड्रॉ किया हूँ। और दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में जैसे कि देख सकते हो मैसेज भी आ चुका है यहाँ पर, 400 रुपीज़ यहाँ पर जो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुके हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को यहाँ पर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे जो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है, और यहाँ पर पैसे को आप कैसे यहाँ पर बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, सब कुछ जो यहाँ पर वीडियो में आगे बताऊंगा। आपको जो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो इस ऐप का डाउनलोड लिंक और यहाँ पर रेफर कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो कॉपी कर लेना। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को यहाँ पर ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको सर्च कर लेना है जुपिटर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगा जुपिटर डिजिटल बैंक अकाउंट, कुछ इस तरीके से। आपको क्या करना है, इसको जो फटाफट से इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद ऐप को जो है ओपन कर लेना है। और ऐप ओपन होते ही आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि यार वीडियो क्वालिटी जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी है, मेरे को पता है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे को इसी मोबाइल से जो यहाँ पर वीडियो शूट करना पड़ रहा है, तो आप लोग जो यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और यहाँ पर मैं फटाफट से जो यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर फटाफट से डाल देना है। इसी मोबाइल नंबर पे दोस्तों आपको जो यहाँ पर ओटीपी रिसीव होगा, और मोबाइल नंबर यहाँ पर जो रिचार्ज रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपको लेस प्रोसीड पे कर देना है, और यहाँ पर सेंडिंग एन SMS फ्रॉम, जैसे कि देख सकते हो। तो आपको जो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो फोन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, उसके नीचे आई हैव एन ऑफर कोड आएगा, उसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो उसके बाद आपको रेफर कोड डाल देना है। अगर आप रेफर कोड नहीं डालोगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जो है 300 रुपीज रिसीव नहीं होंगे, आपकी सारी की सारी मेहनत यहाँ पर जो है बेकार जाने वाली है। तो दोस्तों रेफर कोड जो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर लेट्स प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको जो है अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ कंटिन्यू। और कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपको नाम आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है दैट्स मी पे। और दैट्स मी पे क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ पर चेकिंग फॉर योर इन्वाइट होगा। हमारा इन्वाइट जो यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर डालना होगा आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फटाफट से यहाँ पर डाल देना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है परफॉर्म EKYC पे। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड नंबर पे यहाँ पर OTP आएगा, OTP भी यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एड्रेस आएगा आपका आधार कार्ड का, इसका भी आपको कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपका मेन चीज यहाँ पर जाता है एक सेल्फी वीडियो का, जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा, अनेबल टू एक्सेस योर लोकेशन। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो लोकेशन को ऑन कर देना है, और आपका जो यहाँ पर जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपको लोकेशन को बस ऑन कर देना है, और यहाँ पर जो है ट्राई अगेन फिर से कर देना है, और यहाँ फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आपको जो यहाँ पर आपका मोबाइल का जो यहाँ पर कैमरा ऑन हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है इस सर्कल पे अपना फेस को लाना है, और यहाँ पर एक OTP आएगा स्क्रीन पे, वो OTP को बोलना है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर वीडियो को शूट कर लिया, बस मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो हैंग ऑन एनालाइजिंग योर डिटेल्स, और यहाँ पर जो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो सक्सेसफुल भी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर आ जाएगा आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, और आपको ईमेल एड्रेस आपको सबमिट कर देना है। आपको बिल्कुल भी नहीं देरी करनी है। यहाँ पर मैंने जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ जो यहाँ पर सबमिट कर दिया है, ईमेल एड्रेस जो है सही वाला डालना दोस्तों। उसके बाद आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पर क्या क्या चीज डालनी है मैं आपको बता दूं। आपको यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड डालना है 1 से 3 लाख, और यहाँ पर जो आप मैरिड हो या सिंगल ये आपके ऊपर यहाँ पर मैटर करता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है
ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा, आपको इसको आई विल डू इट लेटर पे कर देना है, बाद में आप चाहो तो नॉमिनी ऐड कर सकते हो, ये जो है आपके ऊपर है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जब पूरा प्रोफाइल बन के आ चुका है, लास्ट बार आपको सब कुछ एक बार क्रॉस चेक कर लेना है और कुछ नहीं करना, बस लुक्स गुड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, उसके बाद आपको जो है अपने मोबाइल का पिन सेट करना होगा, बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो आपको एक पिन सेट कर देना है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक पिन को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने पिन को भी सेट कर लिया और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर अकाउंट खुलना जो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा अकाउंट खुलने का जो केवाईसी का जो प्रोसेस था वो जो यहाँ पर खत्म हो चुका है, बस यहाँ पर जो है हमारा अकाउंट यहाँ पर जो है बन के अभी रेडी हो जाएगा। यहाँ से 2 से 3 मिनट आपको साइड से लगेंगे, उसके बाद जैसे कि देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा, आप कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं भी आपको बता दूं, आपको सबसे नीचे यहाँ पर दिख जाएगा डिपॉजिट मनी, ठीक है दोस्तों। मैंने जैसे कि आपको कहा था दोस्तों, जीरो इन्वेस्टमेंट ऐप है, आपको एक पैसा भी खुद से नहीं डालना होगा, मतलब खुद से खर्च नहीं होगा। पर दोस्तों आपको अगर 300 रुपीज यहाँ पर अर्न करना है, तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर 1000 की राशि का जो यहाँ पर आपको ऐड करने होंगे। फिर से दोस्तों वो 1000 आप जो है अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, आपको एक भी पैसे यहाँ पर जो है 1 रुपया भी नहीं कट होगा। आपको जो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, बस यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही स्टेप्स को आप जो यहाँ पर फॉलो करना, आपका 1 रुपया भी यहाँ पर कट नहीं होगा। और आपको जो यहाँ पर 300 रुपीज भी यहाँ पर लाइव वीडियो में यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या होगा, जैसे कि देख सकते हो क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यूपीआई ट्रांसफर। जैसे कि देख सकते हो आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो है जुपिटर एक्सिस लिखा रहेगा, बस उसी वाले यहाँ पर यूपीआई आईडी पे आपको जो यहाँ पर पेमेंट कर देना है। 1050 रुपए जैसा पेमेंट करना, 1000 की ऊपर की राशि होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो दोस्तों 1000 का जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको कम्प्लीट करना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1050 रुपए यहाँ पर जो है ऐड कर लिया है। मैंने जो है अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप चाहो वहां से जो आप पैसे को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। आपका यूपीआई नंबर वहां पर लिखा रहेगा, बस कुछ नहीं करना। इसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर क्रॉस कर देना है, और क्रॉस यहाँ पर मैं फटाफट से जो यहाँ पर कर देता हूँ। और क्रॉस करने के बाद दोस्तों आपका जो भी राशि आपने ऐड किया है वो जो आपका अकाउंट बैलेंस पे यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर आपका जैसे कि देख सकते हो मेरा जो यहाँ पर 1050 रुपए यहाँ पर मनी ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑर्डर नाउ सेटअप डेबिट कार्ड, ठीक है। तो आपको जो है ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो अकाउंट बैलेंस ऐड हो चुका है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आपको जो यहाँ पर एटीएम कार्ड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं करना होगा, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको क्या करना है। बस आपको सबसे पहले तो अपने डेबिट कार्ड का पिन यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड का पिन सेट कर देने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो पिन सेट सक्सेसफुली बताएगा, आपको क्या करना है ऑर्डर फिजिकल डेबिट कार्ड के नीचे यहाँ पर दिखाएगा कंटिन्यू विथ वर्चुअल कार्ड फॉर नाउ, इसी पे क्लिक करना, ऑर्डर मत करना, नहीं तो आपका 1000 रुपए से दोस्तों यहाँ पर 250 रुपए कट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है ऑल ऑनलाइन पेमेंट्स को यहाँ पर फटाफट से ऑन कर देना है, बिल्कुल भी देरी की नहीं करनी है अब, क्योंकि यार यहाँ पर जो सारा का सारा प्रोसेस अभी खत्म होने वाला है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देने के बाद आपका जो यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है, आपने जो भी पैसा जिसको भी यहाँ पर डिपोजिट किया था उसको जो अभी आपको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने का भी दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस का आपको जो यहाँ पर फॉलो करना है, नहीं तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर 300 रुपीज रिसीव नहीं होंगे अगर आप जो है ट्रांजेक्शन को ठीक से कंप्लीट नहीं करोगे। मैं आपको बता दूं क्या करना है, आपको यहाँ पर जुपिटर में 1100 रुपए यहाँ पर डाल देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फ्लिपकार्ट पे आना है और कोई भी दोस्तों एक प्रोडक्ट यहाँ पर चूज करना है, 1000 रुपए का कोई भी एक प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर 1090 रुपए का जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट को चूज करना है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आप लोग कुछ को उसको जो है यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक जाना है और बाय नाउ पे जाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर पेमेंट्स पेज में आप लोग आ जाओगे, ठीक है। पेमेंट पेज में आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करना है और यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको कार्ड नंबर पूछेगा, आपको क्या करना है, आपने जिसको भी यहाँ पर रेफर किया जिस बंदे का, उस बंदे को आपको यहाँ पर पैसा ऐड करने के बाद उसका कार्ड में जाना है और कार्ड में जाने के बाद दोस्तों उसी अकाउंट से दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कार्ड नंबर यहाँ पर सब कुछ शो हो चुका है, आपको इस वाले कार्ड नंबर से दोस्तों यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेना है, मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी से भी आप जो यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। और दोस्तों ऑर्डर करने के तुरंत ही आपको 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही आपको जो यहाँ पर अपने अकाउंट में यहाँ पर 300 रुपीज रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर फ्लिपकार्ट में आना है और यहाँ पर
ऑर्डर को जो है कैंसिल कर देना है और आपका रिफंड जो है आपको फिर से आपको जुपिटर के अकाउंट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर टोटल कितना का फायदा हुआ, 300 रुपीज का, और आपको 1000 जो भी आपने खर्च किया होगा 1000 के ऊपर की राशि वो आपको यहाँ पर अपने जुपिटर के अकाउंट में यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे।